ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि ऊपर जाए कैसे। गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ डेकोरेशन के लिए लगाया है और ये कुछ बन रहा है, बाकी आपको अंदर दिखाता हूँ। और चलते हैं इसके अंदर टू एंड शीश महल, तीनों को मिला के। और स्टार्टिंग में लिखा होता है कि निःशुल्क एंट्री, तो वो एक्चुअली निःशुल्क एंट्री नहीं है, उसमें आपको 51 रुपीज़ का एंट्री फीस लगती है नाहरगढ़ फोर्ट घूमने के लिए सिर्फ, है ना। तो अगर नया स्कूटी लगा दी और ये है शीश महल, तो एंटर करते हैं शीश महल को घूमते हैं। ये शीश महल लिखा हुआ है, फ्री एंट्री है, इस पर कोई टिकट चार्जेस नहीं है, निःशुल्क प्रवेश यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, निःशुल्क प्रवेश है यहाँ पे, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, आराम से जा सकते हैं। ये 52 रुपये का टिकट लगता है नाहरगढ़ फोर्ट किले के लिए। तो ये यहाँ पे शीश महल का कुछ है, शीश महल में जाने के लिए वापस से कुछ दूसरे टिकट लगेंगे, तो वो देखते हैं। यहाँ पे टिकट लगता है 500 का, जिसमें कि आपको वैक्स म्यूज़ियम 1, वैक्स म्यूज़ियम 2 एंड शीश महल तीनों को मिला के एक टिकट बनता है, जिसमें कि 500 रुपीज़ का लगता है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं वैक्स म्यूज़ियम घूमने के लिए, तो वैक्स म्यूज़ियम के लिए टिकट ले सकते हैं 500 का। और यहाँ पे 2 वैक्स म्यूज़ियम है, और आपको अंदर फोटोग्राफी मना है, अपने खुद के कैमरे से आपको फ़ोटो लेने हैं तो उनके खुद के कैमरामैन वहाँ पर अंदर में है, जो कि 16 रुपीज़ पर लेता है, 16 रुपीज़ पर फ़ोटो का लेता है, जो कि आपको अगर फ़ोटोग्राफी अंदर करना है तो आप वो कर सकते हैं। बाकी आप एक चीज़ और, स्टार्टिंग में लिखा होता है कि निःशुल्क एंट्री, तो वो एक्चुअली निःशुल्क एंट्री नहीं है, उसमें आपको 51 रुपीज़ का एंट्री फीस लगती है नाहरगढ़ फोर्ट घूमने के लिए सिर्फ, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे घूमना है तो 51 रुपीज़ का टिकट लगता है, और बाहर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है निःशुल्क, तो वो जो निःशुल्क है वो बता रहे हैं कि कुछ स्पेशल डेज पर ही निःशुल्क रहता है सिर्फ, है ना। लाइक 30th of March को फ्री रहेगा, तो आज नहीं है। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि टिकट लगता है 51 रुपीज़ का। बाकी यही है, किला विला घूमने का है यहाँ पे, बाकी और कुछ है नहीं। वैक्स म्यूज़ियम बना है तो वैक्स म्यूज़ियम के लिए है। बात है कि नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर एक SBI का ATM कार्ड भी, ATM मशीन भी है, जो कि आपको यहाँ पे जस्ट सामने ही, जो टिकट काउंटर है वहाँ के जस्ट सामने पास में ही आपको यहाँ पे मिलेगा टिकट। अगर आपके पास कैश अमाउंट नहीं है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई साहब यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे हैं, आप देख पा रहे हो इधर बंदर, ये नाहरगढ़ किले में बंदर भी है। और यहाँ पर हम काफ़ी विदेशी लोग भी आते, विदेशी पर्यटक बहुत होते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम पहुंचते हैं, हमारे पापा से स्वागत इस तोप से होता है, 2 तोप लगे हुए हैं गेट पे, एक इस साइड और एक इस साइड, जो कि लोहे से बना गेट है। और अंदर एंट्री करते हैं, अपन चलते हैं। तो यहाँ पे लाइन में लगनी पड़ती है। ये है श्री माधवेंद्र भवन, लेट्स एंटर इनसाइड माधवेंद्र भवन। क्या है तो यहाँ पे लिखा हुआ है माधवेंद्र महाराजा सवई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1822। थैंक यू। सो ऐसे एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए बना हुआ है, ये है आपका इसके अंदर। टिकट रख लेता हूँ, अब एंटर करते हैं इसमें। तो यहाँ पे कुछ रूम्स हैं, छत का रास्ता ये जाने का। यहाँ से आप छत पे आ जाते हैं, ये है छत। अब
बहुत खूबसूरत है, कृपया दिस वे, कृपया इस तरफ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी है, ये है एक अजीब सा रास्ता जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, काफ़ी दूर से चला आ रहा है और ये अभी भी ऐसे ही ये रास्ता चलता जा रहा है। और ये रास्ता इसके आजू बाजू के एरिया से घूमने का टाइप का है, जो कि अभी भी देख पा रहे हो, अभी भी यहाँ पे भी है। ये भूल भुलैया से कम नहीं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये घर अपने आप में भूल भूल इधर भी जाओ, जाते जाओ। अब एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, ये पूरा एरिया वाइज बना पड़ा है, देख पा रहे हो आप, लुक एट देयर, वो वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ये देखो, ये जो है ना, इसे मैं फोटोग्राफी करता हूँ, गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग, कुछ डेकोरेशन के लिए लगाया है और ये कुछ बन रहा है, बाकी आपको अंदर दिखाता हूँ, आई होप कि अंदर दिख रहा होगा कुछ। ये देखो अंदर कुछ रखे पड़े हैं, बाकी ये बाहर दिखा रहा है। ये देखो अंदर कुछ रखा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, बट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से। ये देखो यहाँ पे कुछ रखा हुआ, अंदर में कुछ मॉडल्स बने हैं, ऐसे फोटोज़ लगे हैं नाहरगढ़ उस टाइम के, जो मान सिंह थे। ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि ऊपर जाए कैसे, ऊपर का रास्ता है। आई होप कि अब मिल जाएगा, दिस वे रिटर्न हियर, आई हैव सीन समवेयर टू गो अप बट आई डोंट नो वेयर इज दैट। लुक एट हियर फ्रॉम, इधर से कुछ अच्छा है, यहाँ से मिलेगा। ऊपर जाने का रास्ता किधर से अंकल? ऊपर में इधर सेकंड गेट से जाओ, सेकंड गेट है। हाँ, अब बोल रहे हैं सेकंड गेट से ऊपर जाने का है। दिस वे फाइनली मिल गया रास्ता। Looks so awesome.